हेलो एवरीवन, एट प्रेजेंट इंडियन टू व्हीलर मार्केट में 300 सीसी के ऊपर बहुत सारा बाइक लॉन्च किया हुआ है। पहले रॉयल एनफील्ड का दबदबा था, लेकिन अभी बहुत सारा कंपनी है जो रॉयल एनफील्ड के साथ बहुत कंपटीशन कर रहे हैं। जैसे अभी लॉन्च हुआ है रॉयल एनफील्ड का हिमालयन 452 और कुछ मंथ पहले ट्रम्प का स्क्रिनवर 400 एंड स्पीड 400, ये दोनों बाइक लॉन्च हुआ है। तो आज इस वीडियो में ये तीनों बाइक का कंपैरिजन करूंगा। वीडियो को फुल देखना, नहीं तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बोलने वाला हूँ वो मिस हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं प्राइस से। हिमालयन 452 का जो प्राइस है वो अभी तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, लेकिन बहुत जल्दी अनाउंसमेंट करेगा क्योंकि ये न्यूली लॉन्च किया हुआ है। लेकिन ट्रम्प स्क्रैम्बलर 400X का जो एक्सरूम प्राइस है वो है 2,62,996 और जो ट्रम्प स्पीड 400 उसका एक्सरूम प्राइस है 2,33,000। हिमालयन 452 आपको 5 कलर वेरिएंट में मिलेगा, जैसे हैंडलेप लक, कैमेट व्हाइट, स्लेट पॉपी ब्लू, स्लेट हिमालयन सॉल्ट एंड काजा ब्राउन। और जो ट्रम्प स्क्रैम्बलर 400X एंड स्पीड 400 ये 3 कलर वेरिएंट में आपको मिलेगा, जैसे कार्निवल रेड, कैस्पियन ब्लू एंड फैंटम ब्लैक। हिमालयन 452 एंड ट्रम्प में दोनों में जो इंजन है, इंजन का फीचर सेम है लेकिन जो सीसी है ये डिफरेंट है। जैसे हिमालयन 452 में 452 सीसी का इंजन मिलते हैं और जो ट्रम्प में 398.15 सीसी का इंजन मिलते हैं। सीसी जितना ज्यादा होगा उतना पावर अच्छा प्रोड्यूस करेगा। जैसे जो कंबसन चेम्बर होता है, सीसी ज्यादा होने से कंबसन अच्छा होगा, कंबसन अच्छा होने से पावर भी अच्छा खासा मिलेगा। यहाँ पर दोनों में सेम फीचर्स मिलते हैं, जैसे लिक्विड कूल, सिंगल सिलेंडर, DOAC इंजन एंड फोर वाल्व। तो ये दोनों हिमालयन एंड ट्रम्प दोनों में ये सेम फीचर्स दिया गया है। पावर एंड टॉर्क ऑलमोस्ट तीनों बाइक के सेम है, थोड़ा ज्यादा और थोड़ा कम है। तो जैसे हिमालयन 452 में जो मैक्सिमम पावर है ये 40.2 PS एंड एट द रेट 8,000 RPM में, और जो टॉर्क है वो है 40 Nm एट द रेट 5,500 RPM में। स्क्रैम्बलर 400X एंड स्पीड 400 दोनों में जो पावर एंड टॉर्क है वो है 40 PS एट द रेट 8,000 RPM में, और जो टॉर्क है ये 37.5 Nm 6,500 RPM में। तो यहाँ पर जो पावर एंड टॉर्क दोनों बाइक के सेम है, जो जिसमें प्राइस ज्यादा है वो शायद एक ओवर प्राइस हो जाएगा क्योंकि पावर और इंजन का जो कैपेसिटी है ये दोनों बाइक में ऑलमोस्ट सेम है। दोनों में सेम क्लास एंड गियर बॉक्स यूज किया गया है, जैसे 6 स्पीड गियर बॉक्स दोनों बाइक में आपको मिलेगा, हिमालयन और ट्रम्प दोनों में। एंड जो क्लास है वो असिस्टेंट एंड स्लीपर क्लास दोनों में आपको मिलेगा। तो इसी कारण से जो राइडर है जो बाइक लेना चाहते हैं उन लोग के लिए ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा कि कौन सा बाइक चूज करें, क्योंकि दोनों में इंजन स्पेसिफिकेशन ऑलमोस्ट सेम है। हिमालयन एंड ट्रम्प के चेसिस में थोड़ा डिफरेंट है। जैसे हिमालयन 450 में आपको मिलते हैं स्टील फ्रेम एंड ट्विन स्पर टूबुलर फ्रेम, और जो ट्रम्प स्क्रैम्बलर 400X एंड स्पीड X है यहाँ पे आपको मिलेगा कास्ट एल्यूमिनियम व्हील, और जो फ्रेम है ये हाइब्रिड स्पाइन पेरीमीटर फ्रेम है, टूबुलर स्टील बोल्ट ऑन रेयर सब फ्रेम। तो दोनों में थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन तीनों बाइक की टायर साइज में थोड़ा डिफरेंट है। जैसे हिमालयन 450 की फ्रंट टायर में फ्रंट पे दिया गया है 110/17 रेडियल 17 इंच का टायर, और जो रेयर टायर है ये 150/60 और रेडियल 17 इंच का टायर है। जो यहाँ पे रेडियल टायर दिया गया है वो स्पीड 400 पे दिया गया है। तो जो रेडियल टायर होते हैं वो कॉर्नरिंग करने में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जो हिमालयन और स्क्रैम्बलर 400X में दिया गया है ये आप ऑफ रोड भी कर सकते हो और ऑन रोड भी कर सकते हो, जो हाईवे भी आप इजीली राइड कर सकते हो। तीनों बाइक के फ्रंट में 40 mm का USD फॉग मिलते हैं, लेकिन जो ट्रैवल है वो तीनों बाइक में डिफरेंट है। जैसे हिमालयन 450 में 20 mm तक ट्रैवल कर सकते हैं जो फ्रंट सस्पेंशन है, जो स्क्रैम्बलर 411 है वो 150 mm तक ट्रैवल कर सकते हैं, और जो स्पीड 400 है वो 140 mm तक ट्रैवल कर सकते हैं। हिमालयन 40 में 20 mm तक ट्रैवल कर सकते हैं, ये सबसे ज्यादा है, और जो स्क्रैम्बलर 400 है उसमें 150 mm तक ट्रैवल कर सकते हैं, स्पीड 400 है इसमें 130 mm तक ट्रैवल कर सकते। हिमालयन 450 एंड स्क्रैम्बलर 400X दोनों के फ्रंट में 320 mm का डिस्क मिलते हैं, स्पीड 400 है इसके फ्रंट में 300 mm का डिस्क मिलते हैं। हिमालयन 450 है उसमें 2
पिस्टन कैलिपर दिया गया है, लेकिन स्क्रैम्बलर 400 एंड स्पीड 400 दोनों में 4 पिस्टन कैलिपर दिया गया है। और जो रियर डिस्क है ये इसमें भी थोड़ा डिफरेंट है, जैसे हिमालयन में 270mm का रियर डिस्क मिलते हैं, ये थोड़ा साइज में बड़ा है। और जो स्क्रैम्बलर 400X एंड स्पीड 400 दोनों में 230mm का डिस्क मिलते हैं। हिमालयन 450 में डिस्क का साइज बड़ा होने के कारण जो ब्रेकिंग सिस्टम है ये स्क्रैम्बलर 400X एंड स्पीड 400 से थोड़ा अच्छा होगा, लेकिन जो स्क्रैम्बलर 400 और स्पीड 400 ये दोनों का ब्रेक सिस्टम भी बहुत ही अच्छा है, उतना बुरा नहीं है, लेकिन जो साइज है साइज में थोड़ा कम ज़्यादा है। हिमालयन 450 में जो सीट है इसमें कुछ अच्छा खासा काम किया है, जैसे जो राइडर सीट है ये सीट का जो हाइट है वो 805mm, लेकिन आप 825mm तक आप एडजस्टेबल कर सकते हो। और जो प्लियन सीट है ये 825mm और ये जो 25mm ये आप 845mm तक एडजस्ट कर सकते हो। स्क्रैम्बलर 400X का जो सीट है ये 835mm और जो स्पीड 400 का सीट है ये 790mm। ये तीनों बाइक में जो स्पीड 400 है, स्पीड 400 का सीट हाइट सबसे कम है और सबसे ज़्यादा है स्क्रैम्बलर 400X जो 835mm। लेकिन एक एडवांटेज रॉयल एनफील्ड का है कि वो जो आपके अगर हाइट 5.5 इंच का है तो आप भी राइड कर सकते हो, अगर आपका हाइट 6 फीट का ऊपर है तो भी आप राइड कर सकते हो, क्योंकि आप यहाँ पर एडजस्टेबल सीट दिया गया है। और तीनों बाइक का जो सीट का कंफर्टेबल है ये बहुत ही अच्छा दिया गया है, कुशन भी अच्छा है जो आपको लॉन्ग राइड में बहुत ही हेल्प करेगा। तीनों बाइक की वेट में थोड़ा डिफरेंट है, जैसे हिमालयन 450 का वेट थोड़ा ज़्यादा है, जैसे विथ ऑयल के साथ 196 kg, और जो स्क्रैम्बलर 400X है उसका वेट है 185 kg एंड स्पीड 400 का वेट है 176 kg। जो यहाँ पे हिमालयन 450 इसका वेट सबसे ज़्यादा है और सबसे कम वेट है स्पीड 400 का। हिमालयन एंड ट्रंप में जो फ्यूल कैपेसिटी है ये थोड़ा डिफरेंट है, जैसे हिमालयन पे जो फ्यूल कैपेसिटी है ये 17 लीटर्स का है और जो ट्रंप पे जो फ्यूल कैपेसिटी है ये 13 लीटर का है। जैसे हिमालयन में फ्यूल कैपेसिटी ज़्यादा होने के कारण ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकेगा स्क्रैम्बलर 400X एंड स्पीड 400X से, लेकिन जो माइलेज है, माइलेज टेस्ट ड्राइव करने के बाद ही पता चलेगा कि हिमालयन 450 में माइलेज कितना देगा, क्योंकि हिमालयन 450 का मीटर कंसोल और हेड लैम्प में बहुत सारा डिजिटली चेंज कर दिया है। जैसे अभी 4 इंच का राउंड TFT डिस्प्ले मिल रहा है जो मीटर कंसोल है विथ फोन कनेक्टिविटी, और अभी आप यहाँ से डायरेक्ट फोन से कनेक्ट कर सकते हो ब्लूटूथ से। और यहाँ पे और एक चीज़ है जो अभी फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि रॉयल एनफील्ड ने ये चीज़ दिया है, फुल मैप नेविगेशन, और उसके साथ मिलता है मीडिया कंट्रोल। आप आपके मीटर कंसोल से आप मीडिया कंट्रोल कर सकते हो, और यहाँ पे और कुछ भी और कुछ मोड मिलता है, जैसे राइट मोड और ट्रिप 1 ट्रिप 2 टाइम्स, जो बहुत अच्छा है अभी फिलहाल जो मार्केट में टाइप सपोर्ट चल रहा है। और उसके बाद LED हेड लैम्प, टर्न इंडिकेटर सब LED में आपको मिलते हैं, तो ये सब चीज़ बहुत अच्छे से इम्प्रूव किया रॉयल एनफील्ड का हिमालयन 450 में। स्क्रैम्बलर 400X एंड स्पीड 400X में एनालॉग स्पीडोमीटर विथ इंटीग्रेट मल्टी फंक्शनल LCD स्क्रीन मिलते हैं, तो यहाँ पे आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा, जो आपको रॉयल एनफील्ड पे जैसे आपको फुली डिजिटल मिलते हैं तो यहाँ पर आपको फुली डिजिटल नहीं मिलने वाला है। और जो अदर जो फीचर होता है जो हर एक बाइक के लिए जरूरत होता है वो सब यहाँ पर है, जैसे ट्रिप 1 ट्रिप 2 टाइम, लो फ्यूल इंडिकेटर, बैटरी, तो ये सब कुछ नॉर्मल चीज़ है, ये हर बाइक में होता है, ये बाइक में भी है। तो ये जो स्पीडोमीटर है एनालॉग स्पीडोमीटर जो ये देखने में अच्छा लगता है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और नेक्स्ट मिलते हैं और एक वीडियो के साथ। और एक चीज़, आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में मैं रिप्लाई दे दूंगा इसका।